में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कह रहा हूं, अखिलेश यादव अच्छा स्पीच देते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बातें करते हैं मंच से, उनके भाषण सुनने के लिए लोग उनकी रैली में जाते हैं, उनके मंच से जो भाषण देते हैं लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। राजनीतिक भाषा, राजनीतिक बयान, राजनीतिक सोच, राजनीतिक समझ किसी व्यक्ति में होती है और उसकी जो बातों से बाहर निकल के आती है, उनकी बातों से ये लगता है कि जिस प्रकार से नेताजी बहुत ही सोच समझ करके बातें रखते थे, लोगों के मुद्दे उठाते थे, उसी प्रकार से अखिलेश यादव भी ऐसे ही समय समय पर अखिलेश यादव पत्रकारों की भी क्लास लगाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति वही क्लास लगा सकता है जिसकी समझ उच्च लेवल की होगी। क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी चैनल के मंच पर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ वो जिस प्रकार से पत्रकार या एंकर की क्लास लगाते हैं, बहुत ही प्यार से उसको जिस प्रकार से लेते हैं, तो उस पत्रकार को भी लगता है कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो पत्रकार भी या एंकर समझ नहीं पाता है कि अखिलेश यादव ने उसकी क्लास कैसे लगा दी। अगर आप देखेंगे आज तक पर गए थे, अखिलेश यादव जो चित्रा त्रिपाठी एंकर है, उसकी क्लास किस प्रकार से उन्होंने लगाई, देखिए इस वीडियो में। आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है, कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है, में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर वही शब्द लौट करके कह, और दोस्तों समय समय पर अखिलेश यादव अलग अलग चैनल पर जाकर के उन्होंने जो भाषा बोलने वाले एंकर हैं उनकी जिस भाषा में उनकी क्लास लगाई है, ईमानदारी गलत शब्द नहीं, नहीं आप जिस ढंग से बोल रहे हैं ना, अखिलेश यादव दोस्तों टिट फॉर टैट का हिसाब करते हैं, जैसे को तैसा। ऐसे ही आज तक पर अलग अलग एंकरों की उन्होंने जो क्लास लगाई है वो आप इस वीडियो में देखिए, और अन्य पत्रकार या एंकर हैं उनकी भी क्लास उन्होंने किस प्रकार से लगाई है, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो या TV9 हो, सभी एंकरों की क्लास वो समय समय पर लगाते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही सम्मान से। सम्मान में भी एंकर को अपमान दिखाई देता है, क्योंकि वो जिस प्रकार के काम करते हैं एंकर, वो उन्हें खुद ही दिखाई दे जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए।